नमस्कार, स्टॉक एडवाइस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर के बारे में, RSI। RSI में एक ऐसा सेटिंग है दोस्तों, उसको अगर आप जान जाइएगा तो बहुत ही अच्छा है, आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो चलिए वीडियो कर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसमें किस तरीका से सेटिंग करना है, इसका क्या हम एक जो है दोस्तों बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही जो रिसर्च करके इसको हमने किया है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीका से सेटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीका से सेटिंग किए हुए हैं। ये RSI है, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में इसका बेसिक समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को पहले जाकर आप देख लें, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं कि उसमें बेसिक क्या होता है, उसका बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है RSI इंडिकेटर को, तो पहले मेरा आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम सीखते हैं कि क्या करना है, इसमें किस तरीका से हम सेटिंग किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही होगी, ये तो RSI है। RSI जो है, देखिए पीरियड जो है, पीरियड देखिए 14 का है, ओवर बाउट जो है 70 है, ओवर सोल्ड 30 का है, और उसके बीच में हमें दो लाइन को ड्रॉ किया है, उसको दो लाइन इसमें हम इंसर्ट किए हुए इस RSI इंडिकेटर में। तो पहले चलिए हम सीखते हैं कि इसको किस तरह से इंसर्ट करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हमने चार्ट खोला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को चार्ट ओपन हुआ। देखिए यहाँ पे 9 का पीरियड आ रहा है, तो इसको हम 14 का पीरियड पहले कर लेते हैं, कि आपकी आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करनी है, आपको स्टडी में जाकर मूविंग एवरेज खोजना है, मूविंग एवरेज खोजना है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा मूविंग एवरेज आ रहा है, देखिए यहाँ पर आया, और इसमें आपको 21 का आपको करना है। अब सिंपल के जगह पर यहाँ देखिए वेटेड है, इसको कर देना है, और क्लोज के जगह पे RSI करना है यहाँ पे, और कलर अपना मर्जी से जो होगा आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा फिर एक मूविंग एवरेज लेनी है, ठीक है, मूविंग एवरेज लिए, इसको 5 का कर देना है, और सिंपल के जगह एक्सपोनेंशियल कर देना है, और क्लोज के जगह पे जो RSI जो सबसे नीचे आ रहा है मूविंग एवरेज, इस पर इसी पर आपको इसको प्लॉट करना है, ठीक है, और आप अपना मर्जी से कुछ भी कलर चूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने इस कलर को चूज कर लिया, ठीक है। और एक देखिए ये जो है 50 का हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इसको खींचा है, हमने बताया कि 50 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसका क्या महत्व है, तो उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको अच्छा से अच्छा आइडिया मिल सके, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें काम किस तरीका से करना है, ठीक है। अब इसमें काम किस तरीका से करना है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि RSI में जानते हैं कि RSI जो है बॉटम को और टॉप को पिक करता है, संभावित बॉटम और संभावित टॉप को बताने की कोशिश करता है। तो क्या हम लोग को वहाँ ही पोजीशन बनाना चाहिए जहाँ वो अपना ओवरबॉट सिचुएशन में गया हो? नहीं, हम लोग को पोजीशन वहाँ नहीं बनाना है, हम लोग को पोजीशन वहाँ बनाना है। आप इस लाइन से मदद से, जो दो लाइन है इसके मदद से आप आराम से पोजीशन बना सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन में यहाँ से ही गया है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ओवरबॉट सिचुएशन में यहाँ से ही गया है, तो ओवरबॉट सिचुएशन में गया 196 से, आप देखिएगा तो 196 से गया सीधा कहाँ तक चला गया, 202 तक, ठीक है। आप यहाँ से 196 से लेकर 2002 तक गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ से, अब देखिए जब ए लाइन ओवर बाउट, ठीक है, ओवर बाउट से जब ये लाइन कट किया है इस कैंडल पे, तो आप यहाँ कहीं पर अगर पोजीशन बनाए होते तो देखिए मार्केट सीधा नीचे जब तक ये लाइन लाल, देखिए जब ये लाल लाइन जो रेड लाइन जो है इसको नीचे, जब तक ये रेड लाइन नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, तब तक देखिए मार्केट भी नीचे की ओर है। और खास बात यह है दोस्तों, यहाँ जो हम बताना चाह रहे हैं, देखिए जब ये 50 के ऊपर ये लाइन था तो उतना कुछ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कि 50 के, देखिए 50 के ऊपर ये लाइन है, इस लाइन के बता रहे हैं RSI लाइन का जो 50 के ऊपर है, देखिए यहाँ तक जब है तो मार्केट में कुछ ज़्यादा रुझान नहीं हुआ। देखिए यहाँ से यहीं तक में मार्केट घूम रहा है, 3 कैंडल देखिएगा तो 1, 2, 3, 4 कैंडल इसी में रहा, मगर जब ये 50 के लाइन को नीचे कट किया कहीं ई कैंडल पे, देखिएगा इस कैंडल पे, इस लाल कैंडल पे, यहाँ पे इस लाइन लाल कैंडल पे हम बता रहे हैं, उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया, कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना, देखिए अब सीधा मार्केट नीचे की ओर आया। फिर देखिए जब ये लाल जो है रेड लाइन है ऊपर जाना शुरू हुआ, तो देखिए कितना ईजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ देखिए, यहाँ भी जो रेड लाइन है, ठीक है, रेड लाइन क्या कर रहा है कि ऊपर की ओर जाना शुरू किया, और जो खास बात यह है कि ये जो है ये RSI जो लाइन है वो 50 के ऊपर है,
तो एक अच्छा हम लोग को एक पोजीशन बनाने का मौका मिलता है। और देखिए सीधा ऊपर मार्केट गया, देखिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में काम बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और यहाँ जहाँ ही ओवरबॉट में जाए आप अगर चाहें तो हट सकते हैं या कुछ पोजीशन वहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरीका से आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 50 का ऊपर है RSI लाइन, रेड लाइन ऊपर गया, क्रॉस किया एक दूसरे को, और देखिए क्या मार्केट ऊपर गया। देखिए तो यहाँ से आप अगर बनाए होते पोजीशन तो 187 से लेके सीधा देखिए 195, तो इस तरीका से आपको मूवमेंट मिलेगा दोस्तों, इस तरीका से इसमें काम करना है। और देखिए आपको ये तो हो गया आपको इंट्राडे करने के लिए, या छोटा छोटा जो है एक दिन या दो दिन के लिए, तो 15 मिनट का चार्ट पे है, ठीक है। अब देखिए डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे भी देखिए इसका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए डेली चार्ट जब ये 50 का नीचे है, RSI लाइन 50 के नीचे क्रॉस ओवर मिला, देखिए मार्केट कितना नीचे से आया, देखिए कितना अच्छा से आया, ठीक है। उसी तरीका से अब हमको बाय में देखना है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप किए हो तो देखिए 50 का ऊपर है, रेड लाइन ऊपर है, और देखिए मार्केट सीधा ऊपर गया, सीधा ऊपर। तो ये RSI में ये सेटिंग बहुत ही कम लोग बताते हैं अभी, ठीक है। तो हमको लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, देखिए क्या खूबसूरत काम कर रहा है, देखिए इसमें खूबसूरती बहुत अच्छी है, इसमें देखिए आपको कोई डाउट नहीं है। आपको देखिए RSI 50 का ऊपर है, ठीक है, ये जो रेड लाइन भी क्रॉस कर के ऊपर जा रहा है, देखिए मार्केट सीधा ऊपर गया, सीधा ऊपर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर मिला, देखिए मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, मगर देखिए 50 के नीचे नहीं गया, तो देखिए ये ज़्यादा नीचे नहीं आया, देखिए ठीक है। अब जब 50 के नीचे आएगा तभी, जब 50 के नीचे आया तो थोड़ा सा एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद नहीं 50 के नीचे ज़्यादा देर नहीं रहा, जब 50 के ऊपर गया तो देखिए 50 के ऊपर गया तो देखिए मार्केट कहाँ गया, ठीक है। तो इस तरीका से इसमें दोस्तों आप काम कर सकते हैं, आप कहीं से उठा लीजिए, कहीं से आप बैक टेस्ट कीजिए, देखिए आप यहाँ से तो यहाँ से जा सकते हैं, आप कहीं से बैक टेस्ट इसको करना है कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर अगर आपको कोई डाउट हो कि इसको किस तरीका से और यूज करना है तो आप कमेंट कीजिए, तो ये हम आप बताने की कोशिश करेंगे। और इस पर कुछ अगर होगा तो इस पर हम वीडियो जल्दी बना देंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइए कि देखिए इस तरीका से काम किया जा सकता है RSI इंडिकेटर पे। तो चलिए दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको आज जो हम वीडियो बनाए हैं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ भी ओवर सोल्ड से ऊपर जाना शुरू किया, तो आप ऐसे मगर यहाँ से देखिए यहाँ से हमको रेड लाइन भी क्रॉस ओवर दिया, और देखिए 50 का ऊपर गया मार्केट भी, देखिए सीधा ऊपर गया, देखिए तो सीधा ऊपर। आप देखिए PNB का भी लिए हुए हैं, तो PNB में देखिए यहाँ पे भी आपका मिला, मगर 50 के ऊपर गया, देखिए ज़्यादा नहीं चला, मगर यहाँ पे देखिए रेड लाइन भी ऊपर है, 50 का ऊपर है, देखिए मार्केट कितना ऊपर गया, देखिए तो इस तरीका से आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आया, ठीक है, इस पर हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, जल्द ही एक स्ट्रेटजी हम बना देंगे कि इस पर किस तरीका से काम करना है, इसको किस तरीका से, और हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जो एकदम जो जैकपॉट की तरह काम करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको कम हमको उम्मीद है कि इस पर कम से कम 400 लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हम मेहनत करते हैं उस पर हमको थोड़ा विश्वास होता है कि नहीं, इस तरीका का वीडियो बहुत ही कम है, यूट्यूब पे भी बहुत ही कम है, तो हम ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है मगर बहुत ही कम इस तरीका का वीडियो कि इसको किस तरीका से फिल्टर किया जाए, तो हमने करने का कोशिश किए हैं। तो ये आप क्या चाहे करेंसी में ले ले, कमोडिटी में ले ले, हर एक जगह है काम करता है। आप देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, 50 का ऊपर गया, मार्केट भी ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, देखिए मार्केट नीचे, तो मार्केट नीचे, ठीक है। तो इस तरीका से आप काम करिएगा। ये देखिए हम इंट्राडे के लिए RSI पीरियड जो है 9 का लिया, वहाँ भी देखिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बैक टेस्ट कीजिए थोड़ा, इसमें आप बेस्ट देखिए खुद से आप जितना होमवर्क कीजिएगा ना, खुद से जितना होमवर्क कीजिएगा, जब हमने सीखा था तो उसके बाद हमने इस पर बहुत ही किया, उसके बाद हमने मूविंग एवरेज का चयन किया कि इस पर अच्छा काम कर रहा है। देखिए जब ये 50 का ऊपर जाता है तो देखिए मार्केट ऊपर जाता है, इसका थंब रूल है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो आप इस पर बैक टेस्ट कीजिए कि इस पर किस तरीका से काम किया जाए, हम इस पर जल्द ही एक स्ट्रेटजी लाएंगे। तो आप जो मेरा है चैनल सब्सक्राइब कर ले और घंटा बटन पर क्लिक कर लीजिएगा कि जो आपको हम वीडियो डालें उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इस तरीका का वीडियो देखकर कुछ सीख सके और मार्केट से मुनाफा कमा सके। तो चलिए इसको हमको आपको उम्मीद है कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा मेहनत को आप थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अगर हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब कर ले, और हमारा जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं उनसे अनुरोध है कि आप बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि जो वीडियो डाले आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।